हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ, और आज मैं जा रहा हूँ बाराबंकी के देवा शरीफ, और जो कि मैं जा रहा हूँ अपने एक दोस्त के साथ में। और ये रहा मेरा दोस्त, ये ड्राइव कर रहा है और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आधे रास्ते तो पहुँच चुके हैं हम लोग, और बाकी जा रहे हैं रास्ते में, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सोचा आज काफ़ी टाइम हो गए, तकरीबन 12-13 साल हो गए, देवा शरीफ भी मैं गया नहीं हूँ और फ्रेंड्स भी जाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम से गया नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज देवा शरीफ का टूर करते हैं, चल के देखते हैं और क्या होता है वहाँ पे। और काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं, शायद बहुत कुछ बदल भी गया होगा, आई होप, बट देखते हैं चल के। काफ़ी टाइम के बाद जा रहा हूँ फ्रेंड, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी आप लोग वीडियो एंजॉय करिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। ये देखिए कुछ माहौल रास्ते का, आप हाथ भैया मैच चुकी है। तो दोस्तों, बाराबंकी अभी भी यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर रह गए हैं। थोड़ा गाड़ी चला चला के दोस्त हमारा थक गया था, इसीलिए मैंने सोचा एक यहाँ का ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। तो एक ये छोटा सा ब्रिज है, ब्रिज के बाद रुके हुए, देखिए नज़ारा, नीचे से पानी गया हुआ, हम लोग रोड ही पे खड़े हुए हैं। लेकिन जिस जगह पे रुके हुए हैं काफ़ी अच्छी जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा दिखाता हूँ। फ्रेंड, थोड़ी सी सिटी छुटती है तो गांव के जो एरिए लगते हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ये देखिए नीचे कुछ लोग, पानी इतना साफ है कि नहा भी रहे, कपड़े धो रहे हैं, बिल्कुल साफ पानी है जो आ रहा है। ये पता नहीं किस चीज़ का है, तो चलाते चलाते थक गए थे गाड़ी, तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप ले लिया एक जगह का। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बस 2 मिनट का ब्रेक बहुत है, क्योंकि पहुंचना भी अभी भी तकरीबन 7-8 किलोमीटर अभी भी रह गया है। तो चलते हैं और फिर वीडियो आगे भी कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, जगह देखिए कितनी अच्छी है, और थोड़ा सा आज मौसम भी खुल गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी जगह का एरिया छोड़ के दूसरी जगह का एरिया कवर करने की। तो इसलिए आज सोचा कि कोई नई जगह चलते, तो लखनऊ से थोड़ा सा बाहर है बाराबंकी देवा शरीफ, तो मैंने सोचा कि आज वहाँ चलते हैं, वहाँ की वीडियो कवर करते हैं और दिखाते हैं जो अपने भाई लोग जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको भी दिखाते हैं कि देवा शरीफ कैसा है। और यहाँ से अभी तकरीबन 7-8 किलोमीटर रह गए हैं, तो दिखाते हैं फ्रेंड, आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड, जगह देखिए रोड बीच में है और दोनों साइड में पेड़ ही पेड़ से पूरा कवर है, ज़्यादातर एरिया जो है पूरा पेड़ों से कवर है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल जगह लग रही है फ्रेंड, ऐसी जगह अपने वहाँ शहर में तो देखने को नहीं मिलती, सिटी में तो देखने को नहीं मिलती, बट ये सब चीज़ें थोड़ा गांव साइड के एरिया में देखने को मिलती। फ्रेंड, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है आपको, सामने से दिखाता हूँ मैं। पूरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है रोड पूरी कवर है बिल्कुल
पियर से, दोनों साइड में पियर, एक साइड से इधर आते हैं, दूसरी साइड से इधर आते हैं, दोनों साइड से बिल्कुल कवर है। बहुत अच्छा फ्रेंड नज़ारा है यहाँ का। और दोनों साइड में पूरे खेत खेत टाइप में पूरी खेती की हुई है, दोनों साइड में, दोनों साइड का नज़ारा आप देख सकते हैं, इधर पूरी खेती की हुई है और दूसरी साइड में भी ऐसे ही पूरी खेती की हुई है। बट फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत जगह है, शांति वाली बिल्कुल जगह है। ऐसी जगहों पर जाने में फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देवा शरीफ पहुँच के इंशाल्लाह वीडियो वहाँ पे कवर करते हैं। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं देवा शरीफ, और ये रहा कुछ देवा शरीफ के एंट्री का गेट, ये एंट्री है पीछे, हम लोग रोड पे बिल्कुल खड़े हैं, ये रोड, इसी रोड से हम लोग आए। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अंदर और बताते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या है। आओ फ्रेंड, काफ़ी वक्त के बाद मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ और जो साथ में हमारे दोस्त आए हैं वो भी काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं। मुझे तो तकरीबन 12-13 साल से ज़्यादा ही हो गया, और कम नहीं, क्योंकि जब मैं पहली बार अरब गया था उस वक्त का क्या नाम है, आया हुआ हूँ, और जब से अब आ रहा हूँ तकरीबन उसके बाद से तो आना हुआ नहीं, क्योंकि मैं बाहर बाहर ज़्यादातर रहा हूँ और काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। तो पता कि यहाँ भी कवर करता चलूँ, सब देखिए पूरी छोटा सा, देखिए अंदर सब चादर वगैरह जो चढ़ाई जाती है, सब चादर वगैरह मिल रही हैं, और अंदर दुकानें, खाने पीने की भी दुकानें हैं, छोटे छोटे से होटल हैं खाने वाले, और दुकानें वगैरह भी अंदर लगी हुई हैं। और आज हम लोग फ्रेंड बीच के दिन में आए, आज कौन सा दिन है, मंगल है ना फ्रेंड्स, आज मंगल है, तो इसलिए आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। अगर जुमेरात में आते, थर्सडे में आते अगर, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है जुमेरात वाले दिन, तो कोई नहीं, अच्छा है। इसीलिए हम लोग बीच में आए क्योंकि भीड़ भक्कड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, भीड़ भक्कड़ रहती तो थोड़ा उलझन महसूस होती है, तो कोई नहीं चाबी निकाल दी थी। चलिए फ्रेंड आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये मजार से बिल्कुल पहले का कुछ नज़ारा है, और ये आसपास का थोड़ा सा मैं आपको भी दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड चलते हैं अंदर। ये डलिया वापस देने जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो चुकी एंट्री, और तो आपको सीन दिखाता हूँ यहाँ का। खूबसूरती देखेंगे यहाँ की, थोड़ा सा और मैं करीब से दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स माशाल्लाह से खूबसूरती देखिए देवा शरीफ की। हम लोग मज़ार पे आ चुके हैं। ये कुछ पूरा सीन है यहाँ का। ये एंट्री गेट है, इससे हम लोग अभी आए हैं। ये एंट्री गेट है, तो
दोस्तों ये कुछ सामने का व्यू है, करीब से बिल्कुल। फ्रेंड्स खूबसूरती आप देखिए। और फ्रेंड्स ये अभी इस वक्त बंद है, ये 2 बजे क्या नाम है खुलता है। और ये पूरा कुछ नजारा है यहाँ का। फ्रेंड्स इतना ज्यादा सुकून है यहाँ पे, इतने लोग होते हुए भी इतना ज्यादा सुकून है यहाँ पे। दोस्तों इतना ज़्यादा यहाँ पे सुकून महसूस हो रहा है कि इतने लोग होते हुए भी, बट यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है और इतने लोग होते हुए भी बिल्कुल शांति है, बिल्कुल सुकून है यहाँ पे। और तकरीबन इतने लंबे अरसे के बाद आना भी हुआ है तो अच्छा भी लग रहा है काफ़ी। और फ्रेंड्स अभी इस वक्त अभी एंट्री नहीं है अंदर की, क्योंकि 2 बजे तकरीबन बता रहे हैं कि 2 बजे की टाइमिंग है, 2 बजे तक में खुलता है ये। और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग थोड़ा इंतज़ार कर सकें, क्योंकि वापसी भी जाना है अभी हम लोगों को, और ये दूर की वापसी आते आते काफ़ी टाइम हो गया है। एक तो लेट थोड़ा घर से निकले भी हैं आज और काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इसलिए वापसी भी करनी पड़ेगी, तो कोई नहीं। कभी फैमिली के साथ इंशाल्लाह आना होगा तो फैमिली के साथ भी आएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, फैमिली भी हमारी शायद नहीं आएगी। फ्रेंड जब से बाहर निकलना हुआ है, क्योंकि जब से बाहर निकले तो जब से कहीं का आना जाना हर जगह का ख़त्म ही हो गया, क्योंकि इतना वक्त नहीं रहता है। कभी वापसी छुट्टी भी आए फिर भी इतना ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है, तो थोड़ा बहुत टाइम है चलो, थोड़े बहुत टाइम में ज़्यादा इधर उधर जा भी नहीं पाते, ज़्यादातर वक्त तो घर पर ही निकल जाता था। और अभी फिर से वापसी का जाना हो रहा है, तो वापसी हमारी हो ही रही है एक आध महीने के अंदर में, या जो भी टाइम लगे, ऐसे करीब करीब का टाइम लगेगा, तो जो भी लगता है टाइम। बाकी इंशाल्लाह कभी वक्त रहेगा, कभी यहाँ पे परमानेंट अपनी जगह पे रुकना होगा तो कोशिश करूँगा फिर ज़्यादा अच्छी जगह वीडियो पूरी कवर करने की, सब तरफ की वीडियो कवर करने की इंशाल्लाह। कोशिश तो मेरी वैसे भी पूरी रहती है, बाकी सब जिस वक्त पे जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, बाकी कोई नहीं, कोशिश अपनी पूरी रहती है। फ्रेंड्स एक ये इसी के बराबर मस्जिद जैसी कुछ बनी है, ये आपको दिखाता हूँ, ये खूबसूरत फ्रेंड्स बनी है। मस्जिद ही है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको एक बार सामने से इधर से दिखाता हूँ। फ्रेंड एक आज अच्छी बात ये हो गई कि मौसम भी खुल गया है और धूप थोड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बस हल्की निकली, बट निकल आई है, लेकिन मौसम ठीक हो गया, थोड़ा
इतनी मतलब 3-4-5 दिन से इतना ज़्यादा धीरे धीरे पानी गिर रहा था कि इतनी चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिख रहा था। बट कल थोड़ा पानी रुका है तो आज थोड़ा सूख गया है, रास्ते वगैरह सब सूख गए, तो थोड़ा निकलते हुए भी अच्छा लग रहा है। तो कोई नहीं, सब चलता है। फ्रेंड, इतने लोग होने के बावजूद भी यहाँ पे इतना ज़्यादा सुकून है, अच्छा लग रहा है। कुछ माहौल है यहाँ का, एक बार जाते जाते आप लोगों को फिर से पूरा दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर चलते हैं। फ्रेंड, एक बार आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अभी अभी तो ये बीच के दिन है। फ्रेंड्स, यहाँ का मेला भी लगता है यहाँ पे। यहाँ मेला कब लगता है यार? मेले का भी क्या नाम है टाइम? हाँ, लगता है फ्रेंड, यहाँ पे मेला भी लगता है। बट अभी इस वक्त मुझे सही से मालूम नहीं कि किस टाइम लगता है, बट यहाँ पे मेला भी लगता है। और मेले में फ्रेंड इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि बाहर से लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर से भी आते हैं और काफ़ी भीड़ भक्कड़ भी रहती है। इसीलिए भीड़ भक्कड़ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इसीलिए मैं बीच के दिन में आया। बाकी और भी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी जगह कवर करके दिखाऊँ, अच्छे से अच्छी वीडियो बना के दिखाऊँ। और कुछ फ्रेंड्स, बोला कुछ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सामान भी खरीदारी का भी मिल रहा है, जैसे कि लेडीज की ज्वेलरी वगैरह है आर्टिफिशियल, और भी बहुत से खाने पीने का आइटम है सब। नाश्ता नहीं किया था, नाश्ता वगैरह कर फ्रेंड, आज नाश्ता भी नहीं किया था, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। फ्रेंड, ये देखिए कुछ यहाँ की फेमस स्वीट। अरे काटनी देनी का बनाओ बनाओ नहीं लाती दानी का कुछ सही है कि खाने के लिए कुछ सामान वगैरह की दुकान वाले हो गए क्या करना। फ्रेंड्स, ये देखिए सब मिट्टी के बर्तन, देखिए पूरे मिट्टी के बर्तन है। फ्रेंड्स, ये आ चुके हम लोग बाहर और देखिए फ्रेंड्स, खाजा जो कि मैंने आपको एक वो क्या नाम है मेले की वीडियो में दिखाया था, ये वही चीज़ है। गाड़ी कहाँ पार करी थी?
फ्रेंड ये सब मज़ार के पास की पूरा व्यू है। ये मज़ार के पास की ये छोटी सी एक अंदर मार्केट भी लगती है, ये देख सकते हैं आप, दोनों साइड में लगी है। ये देखिए लहिया चूड़े वगैरह सब। ऐसे ही एक अंदर छोटी सी मार्केट लगती है, सामान वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पे भी। तो फ्रेंड्स ये आ चुके हैं बाहर बिल्कुल, जहाँ से मैंने एंट्री की थी। फ्रेंड्स खाना भी डन हो चुका है और अब यहाँ से वापसी की तैयारी है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके पास। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग किस वे से वीडियो देखना चाहते हैं, कोशिश करूँगा मैं उसी वे से वीडियो बनाने की। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।